नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर अंदाज फिल्म खेसारी लाल यादव के लग गया है भाई। और देखिए, भोजपुरी के एंकर हमारा साथ है, रवि रंजन राय इस वक्त हमारा साथ है। अंदाज फिल्म में कौन रोल किए हैं आप? डॉक्टर का रोल किया हमने, और इसमें मेरी ही गवाही के बाद फिल्म टर्न होती है। हाँ। खेसारी के पक्ष में मैंने गवाही दी है। कैसे ये फिल्म बड़ा हो गया अंदाज फिल्म? इसकी शूटिंग बड़ी थी और बड़े लोकेशन पर हुई थी। गाने अच्छे हैं और खेसारी ने कमाल की एक्टिंग की है, हीरोइन ने भी अच्छा काम किया है, सब लोगों ने अच्छा काम किया, इसलिए बड़ी हो गई। हाँ, लेकिन रवि रंजन के आवाज कहीं ना कहीं बिकता है, भोजपुरी में बिकता है यानी, लेकिन आवाज इसमें नहीं है, आपका केवल फिगर दिया गया है। देखिए, पवन जी की आवाज़ बिकती है, खेसारी लाल की आवाज़ बिकती है, मेरी भी आवाज़ बिकती है, आवाज़ ही मेरी पहचान है, सबकी हाँ। आवाज़ ही पहचान होती है। हाँ। अब किन कारणों से आवाज़ नहीं आ पाई, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। ये देखिए, सबसे बड़ी खबर और दुखद खबर है भाई। ये देखिए, रवि रंजन जो जबरदस्त तरीके से एंकर है भाई, इनका आवाज कहीं ना कहीं लोग सुनते हैं भाई, मंच पर जो बोलते हैं, दहाड़ कर बोलते हैं, शरीर के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन इस फिल्म में, अंदाज फिल्म में इनका आवाज नहीं है, बहुत दुखद खबर है। अब मैंने तो डबिंग की थी, अब किन कारणों से नहीं आ पाई, अब मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा। हालांकि जिन लोगों ने मुझे काम दिया है, उन लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। हाँ। उन्होंने मौका दिया, बट कहां चूक हो गई, मैंने तो आवाज जाके डबिंग की थी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप पर काम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्या, कि मिलना चाहिए? जनता ये तो आपका प्यार करता है, लोग, जनता बहुत प्यार करती है, और फिल्म को ही फायदा होगा यदि हाँ। मेरी आवाज होती तो हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी आप एक बार फिल्म देखें, चूंकि फिल्म बड़ी अच्छी बनी है, हम आपके साथ देखें। लेकिन बहुत दुखद हुआ कि आपका आवाज नहीं है भाई, आप बोलते हैं जबरदस्त तरीके से। फूलों की खेती करो, खुशबू का व्यापार करो, मल्लाही का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बिल्कुल, पवन खेसारी के भाई गाना और आवाज बिकता है भाई, और इनका भी बिकता है, OTT पर भी वायरल हो जाता है, लेकिन इनका वॉइस कट जाता है, कहाँ तक सही है भाई? अब देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, चूंकि सब हमारे माननीय, मैं नया हूँ, लेकिन शुरुआती फिल्म में भी मेरी आवाज़ नहीं आ पाई थी। बाद के फिल्मों में राजा टोली लेके आ जाके लोकेश मिश्रा जी ने बनाई थी, सुजीत कुमार जी उसमें डायरेक्टर थे, और उसमें दिनेश जी अच्छे हैं, उन्होंने डब कराई थी, और डबिंग इसमें भी मैंने डब किया था, खेसारी ने मौका भी बहुत दिया। ठीक है, लेकिन क्या डायलॉग था, अपने अंदाज में मेरे कैमरे पर बोलिए ना भाई। देखिए, इसके निर्माता बड़े शानदार हैं, वो बड़े हमारे प्रिय हैं, डायरेक्टर भी समय में कहाँ चूक हो जाती है, बट मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसमें मैं जो बच्ची है वो एडवोकेट बनती है, जिसे भेजा जाता है, फेंक दिया जाता है, और जब अदालत में मुझे बुलाया जाता है कि डॉक्टर तिवारी को बुलाओ, तो मैं कहता हूँ कि, पूछा जाता है कि क्या दर्द है इसका, तो मैं खेसारी के पक्ष में कहता हूँ कि ये इस शख्स को देखिए जो अंदर से मुस्कुरा रहा है लेकिन बाहर से रो रहा है, तो बड़ा एक क्लाइमेक्स। अंदाज में बोलिए ना, वही अंदाज में बोलना चाहिए मेरे कैमरे पर। जज साहब आए गए और रवाना हो गए, जिंदगी भी क्या ऐसी ही चीज है। ये जिंदगी जो चीज है ना, हाँ। वो कब बदलती है, कब करवट लेती है। आए पैदल और रवाना हो गए, और कोई शायरी बोलिए ना। जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है, कोई कलाकार कुछ कहता नहीं, उसका दर्द ही कलेजा निकाल देता है। वाह, देखिए, लेकिन बहुत दुखद खबर है। अंदाज फिल्म तो आया है भाई, चल रहा है गाना, फिल्म हॉल में चल रहा है, हम लोग भी देखे हैं भाई, और इनके साथ आए, मैं प्रचार कर रहा हूँ, फिल्म के प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग जाकर देखिए कि इनका आवाज नहीं है भाई, बहुत यही दुखद है। नहीं नहीं, आवाज एक आएगी फिर, अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने YouTube पर आएगा। देखिए, लेकिन एक अच्छा मैंने किया है, आप देख लीजिए, और खेसारी ने कमाल की एक्टिंग की है, सब लोगों ने, जज साहब ने किया, तमाम प्रकाश जैस जी जो अपोजिट बस कर रहे हैं, मैं रवि रंजन, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार संतुष्ट हूँ कि मैंने अच्छा काम किया। बिल्कुल, लेकिन कोई और आपका डायलॉग होना चाहिए, चाहे ये शायरी होना चाहिए। देखिए, मैं शायरी के लिए जाना जाता हूँ, आप मेरा एक बहुत बड़ा हिट डायलॉग्स हुआ था कि कोरा कागज पे एगो चांद बनौले बानी, धरती के आज आसमान बनौले बानी, हम जाना ताने कि तू हमार हव हमरे रहब, यही से तहरा के अपन भगवान बनौले बानी। यही तो भाई है, लेकिन दर्द भरा शायरी होना चाहिए, दिल टूटा होगा तो।
दर्द क्या है कि चांद नभे निकलना भले छोड़ दे, कोई गंगा की धारा भले मोड़ दे, सूर्य की रश्मियां बर्फ वर्षा करे, दिल धड़कता रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है ठीक है, प्यार अधूरा होता है, प्यार के अधूरा पर एक शायरी होना चाहिए। फिल्म थी प्रेम रो केसारी जी की, उसमें मैंने बोला था इश्क का स अधूरा है, प्यार का प अधूरा है, मोहब्बत का व अधूरा है, जो खुद अधूरा है रे पगले वो तुम्हें कैसे पूरा करेगा। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, तुम्हारे पास आता हूँ जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। वाह भाई, यही तो भाई है। लेकिन आप काफी लोगों के साथ मंच साझा किए हैं, एंट्री किए हैं, और आपको देखकर बहुत लोग तैयार हो गए हैं भाई। देखिए बहुत शुभकामनाएं सबको, और लोकेश मिश्रा जी निर्माता, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सुजीत जी ने अच्छा डायरेक्शन किया है, और वो लोग हमेशा काम देते रहते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया है, इस फिल्म को ज़रूर आप देखिए, आवाज़ आएगी जाएगी, लेकिन आवाज़ तो आनी ही है, वो तो रहेगी ही, क्योंकि जो प्यार है, जो स्नेह है ऑडियंस का, वो मुझे मिलता रहा है, तो बात वहाँ तक जाएगी। बिल्कुल, बहुत दुखद खबर है कि इनका आवाज़ नहीं है भाई, तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर से नहीं जाने जाते हैं, आवाज के माध्यम से इनका जाने जाते हैं। रवि रंजन रॉय इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, आ रहा है यानी हॉल में, मोती हॉल में, मोती हॉल में लगा है। देखिए, यदि किसी के मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ जाए तो ये सबसे बड़ा रक्तदान है। किसी के पीठ को थपथपाने से दर्द खत्म हो जाए तो ये सबसे बड़ा शर्मदान है। और यदि अनाज आप थाली में ले रहे हो, ख़त्म ना हो, नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो, तो ये सबसे बड़ा अनदान है। और किसी के आंखों के आंसू को पोंछ दो, यही स्वच्छ भारत अभियान है। बिल्कुल, यही तो है। लेकिन पोंछी के भी कौन फिल्म आया था? स्वाभिमान आई थी, उसमें भी डब नहीं किया लोगों ने। ऐसा क्यों? लोगों क्यों काट देते हैं, कलाकार लोग क्यों कटवा देते हैं? देखिए, कलाकार नहीं कटवा, उनको कहाँ फुर्सत है, मैं नहीं कहूँगा उन पर, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो डबिंग कराते हैं उन्हें ऐसा एहसास होना चाहिए कि कलाकार तो आवाज तो बहुत मीठा है। तो कलाकार डबिंग कराता है या जो जो डबर हैं जो वहाँ कराते हैं, अब क्या कमी रह जाती है, इसका मुझे बड़ा गम रहता है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है और इसको हटा करके मेरे साथ न्याय तो नहीं हुआ है। देखिए, आप लोग इनका जो आप आवाज हटाते हैं, कलाकारों का आवाज नहीं हटाना चाहिए, इसीलिए भोजपुरी फिल्म कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। ये बात सही है कि गलत है? देखिए, मैं तो छोटा कलाकार हूं और आप बड़ा कलाकार हैं। मैं मानना पड़ेगा मंच पर आता हूं तो लाखों ऑडियंस होती है, मैं सब जगह, और ये मेरे फेवरेट हीरो हैं, पवन जी फेवरेट हीरो हैं, सबका स्नेह मुझे मिला है, लेकिन मूल्यांकन कहां तक वो लोग कर पाते हैं ये उन पर छोड़ता हूं। बिल्कुल खुल कर नहीं बोलना चाहते हैं रवि रंजन जी, जानते हैं कि भाई बड़े छोटे भाई हैं, इसीलिए नहीं बोलना चाहते हैं, जिला के बात है भाई, कलाकार हैं भाई, इसीलिए नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग भी समझना चाहिए भाई कि मौका देना चाहिए ऐसे ऐसे कलाकारों को, आवाज़ को लेकर कहीं ना कहीं ब्लास्ट करना चाहिए। मैं दोनों के लिए कहूँगा कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें, मंजिल पर वहीं पहुँचा है जो अपने पाँव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। पवन जी के मशहूरियत से हम लोग जाने जाते हैं, केसारी जी की मशहूरियत से, और सारे लोग जिन्होंने फिल्म में काम किया वो सब बड़े कलाकार हैं, लेकिन हम सब छोटों कलाकारों पर कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, यही तो होना चाहिए भाई। आप लोग एक बार मौका दीजिए ना भाई, खुल कर मौका दीजिए कि भाई रवि रंजन रॉय है, ये तो मशहूर है अपना आवाज़ के माध्यम से, और देखिए फिल्म इनका अंदाज आ गया है भाई, लग गया है हॉल में, आप लोग देखिएगा एक बार जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी हाँ, हाँ। इसको जरूर देखिए, मैं भी अपील करूंगा, और जो निर्माता पैसा लगाता है वो कितना दर्द सह के पैसा लगाता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, और अच्छी कहानी भी है, सबने शानदार काम किया है, फिल्म देखिए, मैं अपील करता हूँ। ठीक है, चलते चलते एक सवाल होगा, भोजपुरी में एंकर बहुत लोग हो गए हैं, कौन कौन यानी आपका चेला पैदा हुआ है? देखिए, चेले मेरे नहीं है, लेकिन कुछ सबने सीखा है, और हर जगह से बहुत लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि नहीं नहीं वो मेरा ही बोलते हैं, तो इस कंट्रोवर्सी में क्या है, जनता जानती है, मुझे क्या बताना है, लेकिन सब लोगों ने मेरा अनुसरण किया है। बिल्कुल, मानते हैं कि नंबर वन रवि रंजन राय है? नंबर वन मानते ही तो पब्लिक बताती है, आप नहीं बोलिएगा लेकिन हम लोग बोलेंगे, जनता भी बोलेगा लोग कि नंबर वन ये एंकर है रवि रंजन राय, ये आरा जिला के निवासी हैं, भोजपुर के हैं, हम लोग भी आरा के हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आनंद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, भोजपुर बिहार।